श्री किशोरी जी का आगमन हुआ, पर कहते हैं राम जी उनकी अवस्था से 5 वर्ष बड़े हैं, किशोरी जी 5 वर्ष छोटे। कर सरोज जयमाल सुहाई प्रेम विवश पहिराए न जाय, प्रेम के कारण जरा झुकी हुई है, माला नहीं पहना पा। सरस्वती जी सखी के रूप में आई, सरस्वती जी की ओर देखा और सरस्वती जी ने उनकी ओर निहारा, वे समझ गई। राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी से मिथिला की भाषा में बोली, वहाँ दुल्हा सरकार के पास, दुल्हा सरकार यहाँ क्या बात है, कहा झुक जाओ। कहा क्यों झुकू? कहा इसलिए वो किशोरी जी जयमाल डालना चाहते, कहा वो उनकी समस्या। बोले उनकी समस्या नहीं, अब आप उनकी हर एक समस्या अब आपकी भी समस्या है, इसलिए आपको झुक जाना चाहिए। पर राम जी तो जानते हैं वो ब्रह्म है, वे जान गए सरस्वती जी हैं, तो उन्हें सरस्वती जी से कहा तुम तो सरस्वती हो, मुझको जानती हो मैं कौन हूँ, आप ही बता दो। कहा मैं परब्रह्म हूँ। अब परब्रह्म भी कहीं झुकता है क्या? कहा आप जानकी जी को जानते हो कौन है? बोले कौन है? कहा ये साक्षात भक्ति है, और भक्ति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है सरकार, इसलिए आप झुक जाओ। राम जी ने सोचा झुक जाऊं। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात, बोले झुकना नहीं। बोले क्यों? कहा कि हम धनुष भी तोड़े और झुके भी, अगर ये पिताजी के पास समाचार गया तो क्या कहेंगे कि रघुवंशी राजकुमार निमिवंशी राजकुमारी के सामने झुक गए, इसलिए झुकना बिल्कुल नहीं। तो राम जी ने कहा अब ये परिवार वंशवाद का झगड़ा कहाँ रह गया, अब तो ये हमारी होगी। बोले ये आपकी तो तब होगी जब कल भावरे पड़ जाएंगी, तब, अभी भावरे नहीं पड़ी, अभी तो इनका अभी इनका कुलगोत्र नहीं बदला, ये वही है। ये केवल जो बच्चे स्वरूप बने हुए हैं उन बच्चों को वहां पर पहुंचा जाए ऊपर में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी कोई झगड़ा नहीं रह गया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब अगर आप झुकेंगे झुक जाएंगे तो मर्यादा जाएगी, और अगर आप झुकना का इतना ही शौक है आपका मन है तो आप जरा एक बार ये तो सोच लीजिए कि अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग आपको क्या कहेंगे, कि जो दुल्हा पहले दिन दुल्हन के सामने झुक रहा है ये जिंदगी भर क्या करेगा। अब महाराज राम जी जो झुकने वाले थे और भी अकड़ करके खड़े, हमको पता था कि आपके बच्चे आए कि नहीं आए, तो हमने अपने बच्चे सजा के बैठा दिए। बोलो हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं, देखो राधा कृष्ण जी भैया ने दिखा देना एक बार कैमरे में, दुनिया के लोग देख लें भारतवर्ष के ये बच्चे खूब सज्जत करके आए हुए। हाँ हाँ, जो बच्चे सजे हुए हैं केवल वो ही बच्चे ऊपर आ जाएं स्टेज पर, और अगर कुर्सी हो तो और भी कुर्सियां रख दें, और नहीं तो नीचे भी बैठ सकते हैं, सब उन्हीं का फैमिली है तो अपनी फैमिली में ऊपर नीचे शादी विवाह में सब बैठते ही हैं, और क्या है। तो जब राम जी नहीं झुक रहे थे तो जानकी जी ने माँ का सहारा लिया, क्योंकि बेटी जब दिक्कत में होती तो अपनी माँ को याद करती है, तो माँ को याद किया, कहा माँ आप मदद कर दो। पृथ्वी ने कहा कि मैं क्या करूं, कहा जरा ऊपर उठ जाओ। पृथ्वी माता ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, तुम ये नहीं सोच रही हो अगर मैं ऊपर उठी तो तुम तो उठोगी पर राम जी भी तो उठेंगे, तुम्हारी दूरी तो वही रहेगी ना। कहा बात सही है। शेषनांगश का आप मदद कर दो, पर शेषनांग जी ने कहा बात तो वही है, शंकर जी भी आए हैं हमारे, इस शंकर जी आ गए, शंकर जी को जरा स्टेज पर ले आओ। हाँ हम काशी के, हम अपने लोगों को पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से उन सखियों ने बहुत सुंदर एक गीत गाया कि हम गीत गाएंगे, और जब गीत गाएंगे तो निश्चित रूप से राम जी झूमेंगे, और ज्यादा झूमे तो माला डाल ही देंगे, और माताएं अगर गाएं तो उन माताओं के सामने तो दुनिया का संगीत फैल। माताएं तो जब रोती हैं तो उसमें भी एक संगीत होता है, ऐसा तो ये पुरुष लोग रोई नहीं। हाँ ऐसा रोती मत। हाय मेरे प्राण पखेरू, रोते भी हैं स्वर संगीत में माताएं, ऐसा आप लोग रो सकते हो? हंस रहे हो क्या मामा? रो सकते हैं क्या रमेश जी? रो सकते हैं ऐसे? बाद में दिखाना, कंपटीशन कराएंगे। और एक बात का आज तक पता नहीं लगा, पीएचडी हो गई, कि हे भगवान इन माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। नगर
बालिका की नल की टोटी की तरह जब चाहे तब टोटी दबा दे, खोल दे, और जब चाहे तब बंद कर दे। हाँ, हमारे गांव में भी जब हम बचपन में अपने घर में थे, शादी विवाह होती थी और रिश्तेदारों को भेजने के लिए जब जाएं तो बस आकर के खड़ी हो गई और खूब हंसते हंसते बात कर रहे हैं, और जो ही बस आकर के खड़ी हो गल ध्यान रखना आपकी बहुत तो मैं कहूँ सचमुच पर हो रही क्या? आंचल देखे, हे राम, गंगा जमुना हो ही पर पैदा हो गई, पूरा आंचल गीला। और जो ही बस गई फिर क्या, एकदम तालेड़ भगवान की बड़ी कृपा हुई, सब अच्छे अच्छे से निपट गया। सूर्य भगवान ने बड़ी कृपा की, पानी नहीं बरसा 15 दिन से, सारे नाते रिश्तेदार थे, नहीं तो जित बिगड़ जाती, सब भगवान से निपट गया। ये रोना और गाना सीखना हो तो हमारी माताओं से सीखो, और कोई सीखना। एक लाइन कर ही दो। हाँ, एक लाइन। बहुत अच्छा भजन है, आपने सुना होगा, अपने मन ही मन गुनाना, एक लाइन गाएंगे। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते शुरू किया। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी जी, तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी जी, बारिश मारी जी हो, बारिश Thank you.
बाद में राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे, और जो ही राम जी ऐसे ऐसे झूमे त्यों ही सरस्वती जी ने कहा कि मैथिली जी विलंब मत करना, जादू चालू हो गया है, बस ज्यादा झूमा डाल ही देना। और लक्ष्मण जी ने देखा कि मामला बिगड़ गया। लक्ष्मण जी समझ गए, कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात है लक्ष्मण, का झूमना बंद करो, क्या क्या बात करते हो लक्ष्मण। संस्कृत साहित्य में कहा गया है संगीत साहित्य कला विहीना, जिसके जीवन में संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं है वो आधा मनुष्य माना जाता है। मेरी ससुराल में बिना पढ़ा लिखा ऐसे मूर्ख घोषित करना चाहते हो क्या। बोला नहीं भाई साहब, ऐसा कोई इरादा नहीं, आपको झूमना है झूमो मस्ती से, पर आप झूमने की शैली बदल दो। बोले कैसे, कहा जो आप ऐसे ऐसे झूम रहे हो ना ऐसे मत झूमो। तो कैसे, और जिन्हें झूमने की शैली बदली उसी समय पर सरस्वती जी ने कहा इनका डायरेक्टर कौन है, अभी तो ये मेरे साने पर झूम रहे थे, ये दिशा कैसे। तब चारों तरफ नजर घुमाई, गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास में जो छोटे सरकार बैठे थे, सरस्वती जी ने कहा छोटे सरकार जरा अपना मुख ऊपर उठाना। और जो ही लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सरस्वती जी की ओर देखा, पहचान गई ये शेषनाग हैं। सीता जी से कहा कि तुम व्यर्थ में दूसरे को मना रहे थे, शेषनाग ये बैठे हुए हैं, और जब तक प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम, भगवान की जो डोरी है ना भक्तों के हाथ में, इसलिए आप जब तक इनको नहीं मनाओगी तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। और जो ही लक्ष्मण जी की ओर, जानकी जी ने सोचा कि मर्यादा की श्रेणी है, मैं कैसे लक्ष्मण से बात कर सकती हूँ, पर उन्होंने मर्यादा का घूंघट निकाला और माधुर्य वात्सल्यपूर्ण चितवन से जो ही लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बरसा हो उठी। कहा कि माँ, मैं कब से मिथिला में आया हूँ और मेरी माँ के मुख को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तूने एक बार भी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से मुझे नहीं देखा। पुष्प भाटका में मर्यादा अलग और यहां भी मर्यादा अलग, मेरी आपसे कोई याचना नहीं है, बस एक याचना है, जानकी पद पद मोकी ओर लगी रहे आशाओं की ओर, स्वामी पद पद की है कि भगवान के चरणों की भक्ति की धारा हमारे जीवन में आपकी कृपा से ही प्रवाहित हो सकी है। जनक सुता जग जननी राम भगत हित भवन विहाई सुमरत, आप कृपा करोगी तो भक्ति हमारे जीवन में रहेगी। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मैं काम बनाता हूं। लक्ष्मण जी महाराज दौड़े और जीवी कहा कि जय और अभिनंदन श्री राम जी, आज आप त्रिभुवन विजय का खिताब प्राप्त करते हैं, इसलिए आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो ही लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिरे तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। क्यों ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जो ही नीचे झुके उसी समय कहा पहिरा बहु जय जयमाल राम उर मिली। और उसी समय पर जो ही रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार थोड़े झुके और सीय जयमाल राम उर मिली, उसी समय पर मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी ने जयमाल श्री राम जी को पहना दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अक्षत अक्षत लीला हुई, सीय जयमाल राम उर मिली, गावे छवि अवलोक सहेली, ये दृश्य ये गाजे बाजे के साथ में त्रिभुवन में मचा। महाराज कैलाश में भगवान शिव श्री पार्वती जी से कहते हैं सीय जयमाल राम उर्मेली, कैलाश में भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं सीय जयमाल राम उर्मेली, और स्वर्ग में इंद्र सची के साथ में कहते हैं सीय जयमाल राम उर्मेली। त्रिभुवन में चारों तरफ डंका बज गया कि प्रभु श्री राम जी के गले में मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी ने
जयमाल डाल दी और उसके बाद में देवन दीनी धुंधवी प्रभुपर वर्षें फूल। देवताओं ने खूब जम करके धुंधवियाँ बजाई और प्रभु पर पुष्पों की वर्षा हो उठी। श्री मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी ने जयमाल उनको डाली, राम जी ने जयमाल उनको डाली और उसके बाद में जानकी जी प्रभु के पाद पद्मों को स्पर्श करने के लिए जूं ही झुकी पर हाथ उन्होंने खींच लिए, और इसलिए कि उनको डर लगता है गौतम तीय गति सुरति कर नहीं परसत पद पान मन वैसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। अद्भुत प्रेम को जान करके राम जी, वैसे आपको बता दूं आज मकर संक्रांति का परम पावन पर्व आज नहीं कल है, कब है कल, और संक्रांति का फल कहां मिलता है, तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं लोग और वहां पर क्या है गंगा की धारा है और राम भगत ईश्वर श्रीधर, यहां तीर्थराज प्रयाग है। कल आप कथा में स्नान करने आ जाना तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल मिलेगा, पक्की बात है, गारंटी की बात। मैं नहीं कहता हूं क्या महाराज है कि नहीं यहां पर प्रयाग, जो जग जंगम तीर्थ राजू, संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। इनके हृदय से विलसित होने वाली जो भक्ति वही गंगा है, इनके अंदर में जो सद सद विवेचन की मुक्ति बुद्धि है वही सरस्वती है, और जो कर्म है वही कर्मोपासना कर्म का विवेचन है वही जमुना है। और ऐसी भागीरथी, और वैसे भी कल का दिन यज्ञ के समापन का है, कल प्रातः काल 10 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति का दर्शन करने का अत्यधिक फल माना गया है, इसलिए जो भी लोग चाहें वो 10 बजे आप आ जाइएगा। और आने के बाद में आप यज्ञ 10 की जगह 11 तो बज ही जाएंगे, पर आप आ जाइएगा, थोड़ा सा विलंब होगा तो भी, और नहीं तो फिर कथा में आपको आना है। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप रोज कथा में किसी कारणवश ना आ पाए हो और आप चाहते हैं कि आप पूरा फल या पूरा एकदम टोटल, तो आपको फल तो मिलेगा लेकिन बहुओं को अपनी सास को जरूर लाना पड़ेगा और सासों को अपनी बहू को जरूर लाना पड़ेगा और अपनी मौड़ी मोड़न को भी ले आइयो, खूब कथा में सबको कथा सुनाइयो, सबको बैठा करके यहाँ कथा सुनाओ, इसमें आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और आपको बताएं परसों आपको ध्यान रखना है, परसों बड़े गाजे बाजे के साथ में एक जगह बताई गई है मकर संक्रांति का अर्थ, में आपको कल बता दूंगा, कल समय हमारे पास में रहेगा, अब समय रहा नहीं।